आपको इस वीडियो में के साइन कोस टेन के जो सूत्र हैं उनको कैसे याद रख सकते हैं उनका क्रम है। देखो साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और होता है हमारे पास में कोसेक थीटा। बराबर अब देखो इनके हमें सूत्र याद रखना। तो साइन साइन थीटा बराबर होता है वन अपॉन कोसेक थीटा, और कोस थीटा बराबर होता है वन अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा बराबर होता है वन अपॉन कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर होता है वन अपॉन टेन थीटा, और सेक थीटा बराबर होता है वन अपॉन कोस थीटा, और कोसेक थीटा बराबर होता है वन अपॉन साइन थीटा। अब देखो साइन का संबंध होता है कोसेक से, कोस का संबंध होता है सेक से, और टेन का संबंध होता है कोट से। तो इसके लिए सिद्ध करने वाले सवालों में एक सूत्र और लगता है जो है कि साइन टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर होता है इसका उल्टा कोस थीटा बटा साइन थीटा, ये इसका क्रम होता है। अब देखो हमें वापस इनका क्रम लिखेंगे हम कि साइन थीटा स्क्वायर लगाएंगे, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसमें ये 90 में से घटा, 90 माइनस साइन है तो कोस से माइनस हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, 90 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 90 माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा हमारे 90 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ये 90 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये 90 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। देखो इसमें दो दो का जोड़ा होता है, इसमें तो क्या है साइन का संबंध कोसेक से होता है, सेक कोस का सेक टेन का कोट, लेकिन इसमें साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक का जोड़ा होता है। अब ये ध्यान में रखिए किस किस का मान एक होता है जो हमें सिद्ध करने वाले सवालों में आपको ध्यान में रखना है। देखो एक तो होता है हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक, फिर नेक्स्ट है हमारे पास में के सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक, फिर होता है आपके कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक। इससे हम देखो कोस को उधर पक्षांतरण किया तो इधर बचेगा साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है, और अगर हम इसमें साइन को उधर पक्षांतरण कर देंगे तो ये कोस स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है।